साथियों, हमारा एनडीए गठबंधन रीजनल एस्पिरेशंस और नेशनल प्रोग्रेस दोनों को साथ लेकर चलता है। इस चुनाव में बीजेपी के सहयोग हमारे साथी लगातार बढ़ रहे हैं। एनडीए की ताकत बढ़ रही है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण दोनों लंबे समय से आप लोगों के हक के लिए, आंध्र के विकास के लिए दिन रात आपके लिए काम करते रहे हैं। एनडीए का लक्ष्य है विकसित भारत के लिए, विकसित आंध्र प्रदेश का निर्माण। आंध्र प्रदेश में एनडीए की डबल इंजन सरकार होने से यहां के विकास को और गति मिलेगी। एनडीए कूटमी एदैते उन्नदो प्रांतीय भावालतो पाटू जातीय योक्क भावाल्नि कूडा कलुपुकुंटू अडुगु मुंदुकु वेस्तुंदी अनि चेप्पि मनमंदरं कूडा इक्कड गमनिंचाली। एनडीए कूटमिलो वच्चि चेरेटुवंटि भागस्वामुल योक्क संख्य पेरगडं तोटी एनडीए कूटमी बलं पुंजुकुंटुन्नदी। चंद्रबाबु नायडु गारु कावच्चु, अदे विधंगा पवन कल्याण गारु कावच्चु, वारिरुवुरु कूडा चाला समयं चाला कालं पाटु आंध्र राष्ट्र विकासानिकि वारु चेसिनटुवंटि कृषिनि मनं खच्चितंगा दानि गमनिंचवलसिनटुवंटि अवसरं उन्नदि। एनडीए कूटमि योक्क लक्ष्यं ఒక వికసిత భారతదేశం అంటే అభివృద్ధి చెందినటువంటి భారతదేశం। అభివృద్ధి చెందినటువంటి భారతదేశాన్ని గనుక మనం లక్ష్యంగా తీసుకున్నట్లయితే ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్ధి కూడా అంటే మనకి ప్రాముఖ్యం అని చెప్పి మన మంత్రం కూడా గుర్తించాలి। కనుక ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎన్డీఏ డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం అంటే కేంద్రంలో ఎన్డీఏ అదే విధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా एनडीए प्रभुत्व उंडवलसिनटुवंटि आवश्यकतनु गमनिंचंडि। साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार गरीब की सेवा करने वाली, गरीब की सेवा करने वाली सरकार है, गरीब की चिंता करने वाली सरकार। हमारी सरकार के 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। पूरी दुनिया में एनडीए सरकार के विकास कार्यों की चर्चा हो रही है। एनडीए सरकार ने आंध्र प्रदेश में गरीबों को पीएम आवास योजना के करीब 10 लाख घर दिए हैं। यहां पलनाडु में गरीबों को करीब 5000 पक्के घर बनाकर दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत आंध्र प्रदेश के करीब 1 करोड़ परिवारों तक नल का कनेक्शन पहुंचा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत यहां 1.25 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने
अपना मुफ्त इलाज कराया है। आज एनडीए सरकार की वजह से यहां पनाडु के 5 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों को मुफ्त राशन भी मिल रहा है। हमारी सरकार किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को भी ध्यान रख रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत यहां पलनाडु के किसानों को 700 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। यहां केंद्र सरकार की योजनाएं और बेहतर तरीके से लागू हो, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनडीए के सांसद, एनडीए के विधायक, इनको जिताना है। एनडीए के सभी सांसद, एनडीए के सभी विधायक बहुत सेवा भाव से आपके लिए काम करेंगे, ये मोदी की गारंटी है।